नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। जानेंगे रूपा जी से कि एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे मैंथा ऑयल से। रूपा जी, MCX पर मैंथा ऑयल देख रहे हैं कि 1150 का लेवल टच करने के बाद अब सीधे 1118 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, मैंथा के फंडामेंटल्स तो यहाँ पे मजबूत ही नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर, तो ये जो ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी है मैंथा के अंदर, तो क्या ऐसे में मैंथा में फिर से वही 1150 या उसके ऊपर की भी लेवल्स फिर से देखने को मिल पाएंगे या फिर उनमें अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा? देखिए, अभी थोड़ा सा बाजार लगातार तेजी के साथ हल्की करेक्शन जरूर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 1100 के बाद 1180 का अहम सपोर्ट है, वहाँ पर एक बार फिर से मार्केट जो है सकती दिखाई दे सकती है और खरीदारी लौट सकती है। तो 1080 तक हम मतलब चलिए कि एक बार करेक्शन में मार्केट जा सकता है जी। ये सिर्फ जी कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कुछ मुनाफा वसूली बनी है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जब जब कॉटन का बाजार 43,000 के ऊपर जाता है, थोड़ी तेजी दिखाता है, तो कॉटन फिर से 42,000 के लेवल पर आ जाती है। ज्यादा नीचे नहीं जा रही है तो ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन 44,000 या उसके ऊपर के लेवल्स कब तक दिखा पाएगी? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरे को लगता है कि ये एक जो ये बाजारों में मूवमेंट बना हुआ है उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक मार्केट भी इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक जो है ओवरबोट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट को करेक्शन में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट अगर छुटमुट तेजी में रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे अब यहाँ से पॉजिटिव देता है कि कभी भी आप करेक्शन आ सकते हैं। रूपा जी, इसे बिनौला खल की बात की जाए तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि बिनौला खल में आज भी 3100 के ऊपर ही लेवल दर्ज किए जा रहे हैं, 1% की करेक्शन है। देखिए, अभी बिनौला खल में भी करेक्शन आगे कंटिन्यू रह सकती है। लगातार मैं यही बता रहा हूँ कि बिनौला खल में भी बिकवानी का प्रेशर जो है वो बना रह सकता है और 30,000 तक एक बार मार्केट नीचे लुढ़क सकता है और उसके नीचे लुढ़कता है तो और ज्यादा बढ़ सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज भी तेजी का ही दौर देखने को मिल रहा है। धनिया का प्रेल वायदा 12,700 के ऊपर है, जीरा देख रहे हैं कि 23,000 के ऊपर, और जो हल्दी है, हल्दी देख रहे हैं 9,500 के ऊपर। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से मसालों में अभी तेजी बनी है, तो यहाँ पे अभी बिकवाली कर लें या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और कीमतों को और तेज होने दें? देखिए, अभी मसालों में रुझान पॉजिटिव है, प्राइजेस अभी और अपसाइड में जा सकते हैं, बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। मैंने लगातार यही बोल दिया है कि मसालों में बाइंग में रहे और आप देखिए अच्छी खासी रैली अब बनती हुई भी दिखाई दे रही है, तो अभी थोड़ा सा वेट करें, मार्केट में थोड़ा सा और अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे जी। इसी के साथ रूपा जी, ग्वार पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अभी क्या ग्वार में अभी थोड़ा रुक जाएं और तेजी आने दें, क्योंकि देख रहे हैं कि ग्वार में जब से तेजी बनी है लगातार तेजी ही बनती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ग्वार में भी तेजी का ही रुझान है और इसमें भी बाइंग जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन में रखना चाहिए और अभी मार्केट जो है उतना शुरू हुआ है, अभी जैसे 13,000 के ऊपर निकला है तो अब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं कि एक बार 15,000 तक के ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी, जिस हिसाब से कच्चे तेल उठापटक के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आगे ग्वार की कीमतों को देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, उसका भी असर कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, गम की और प्राइस इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल स्पॉट डिमांड होने की खबरों के चलते बाजारों में तेजी बनी जी। ये सिर्फ जी कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में देख रहे हैं कि जो कैस्टर 72-7300 के ऊपर ट्रेड करता था, अब वो 7100 के लेवल्स पर आ चुका है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या कैस्टर की कीमतें अभी मुनाफा वसूल की और जाने वाली हैं और थोड़ा और नीचे का लेवल दिखा देंगी? देखिए, बिल्कुल अब कैस्टर जो है जो ऊपर के लेवल थे वो अब नहीं ब्रीच कर पाया और लगातार प्रेशर में है, यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर 7,000 के नीचे लुढ़कता है तो 800 तक के मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो अभी फिलहाल गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे जी। ये सूर्य जी, मक्के की बात की जाए तो मक्का देख रहे हैं NCDX पर 2300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, हालांकि करेक्शन है, लेकिन रूपा जी जो मक्के की MSP है उससे भी ज्यादा दाम पर इस समय मक्का बिकता नजर आ रहा है,
खबर है कि जो विदेश है, विदेशों में मक्के की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिली है। जिस हिसाब से भारत में गेहूं की कीमतों में तेजी है, मक्के की कीमतों में भी यहाँ से तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो दाम मक्का किसानों को पिछले 2-3 सालों से नहीं मिल रहे थे, तो क्या अब मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल अभी तेजी का रुझान बन रहा है और अगर एक्सपोर्ट पिकअप होते हैं तो वापस से तेजी हो सकती है। और पिछले 2-3 साल हो सकता है की एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने के चलते प्राइसेस में एक बूस्टअप बने और मार्केट स्तरों पर फिलहाल के लिए तो जो खबरें निकल कर आ रही है जिससे एक्सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से तेजी बनी हुई है और ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। जी, ये सिर्फ जी सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन देखने की यूएस सोयाबीन की कीमतों ने फिर से कमबैक किया है, फिर से रिवाइव हुई है प्राइसेस। यहाँ पे जो कीमतें एक दिन पहले 1550 1560 के लेवल्स पर थी, वही अब $1640 पर है। और ऊपर जी ये भी खबरें हैं कि अमेरिका में इस बार साल 2022-23 के सीजन में अमेरिका में सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, रिकॉर्ड रकबा रहने वाला है इस बार। और भारत में भी जो तिलहन का रकबा है, जैसा आपने बताया था कल के इंटरव्यू के दौरान, बढ़ सकता है, वो भी देखने को मिल सकता है इस बार। तो इन सब के मद्देनजर आगे सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए जब रकबा बढ़ेगा आगे जब प्रोडक्शन आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हाल फिलहाल के सिनेरियो में जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है, प्राइसेस काफी ऊपर है, तो डेफिनेटली अगली बार जो है प्राइसेस में जो है कमी देखने को मिल सकती है। अगर प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है सेम एज इट यही जो है कॉटन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार प्राइसेस काफी अच्छे हैं तो सोइंग और बिजाई उसकी भी ज्यादा होती दिखाई देगी, जिसकी वजह से आगे पर अगला सीजन जो रहेगा वो थोड़ा सा दबाव वाला रह सकता है अगर फसल अच्छी हो सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात की जाए अगर सरसों की, तो कई किसानों का सवाल आता रहता है कि सरसों में अभी क्या करें, क्या सरसों को अभी थोड़ा और रोक लें? जिस हिसाब से सरसों तेल में लगातार तेजी आ रही है, तो क्या किसानों को आगे जाके सरसों होल्ड करने पर सरसों की कीमतें और अच्छी मिल पाएंगी? जो सरसों में जैसे तेजी आ रही है उसमें थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करने की भी रणनीति होनी चाहिए। मार्केट देखिए ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, विदेशी बाजारों में भी तेजी है, कभी भी करेक्शन भी आ सकता है, तो इसलिए अगर अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे लिक्विडेट भी करते रहना चाहिए मार्केट। जी, ये सिर्फ जी शुगर में क्या लगता है आपको, क्या शुगर में आगे और तेजी आएगी? देखिए अभी थोड़ा सा खबरें निकल कर आ रही है कि एक्सपोर्ट से सौदे हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है चीनी की कीमतों को, तो छुटमुट तेजी बन सकती है, लंबी तेजी फिलहाल नहीं दिखाई। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर वीट की, तो वीट पर आपको आपकी तरफ से किसानों को क्या सलाह रहेगी, क्या इस तेजी में अपना वीट निकाल दें या फिर थोड़ा होल्ड कर लें आगे तेजी में बेचने के लिए? देखिए अभी थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं क्योंकि तेजी तो बन रही है यूक्रेन और रूस के विवाद के चलते, अभी फिलहाल एक्सपोर्ट डिमांड काफी गेहूं के पिकअप होते नजर आए और उसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है आगे चलकर तेजी बन सकती है और मार्केट जो है ऊपर जा रहा है और ग्वार यही तो कमोडिटीज ऐसी हैं जो अभी फिलहाल पॉजिटिव हैं और इनके अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं बिनौला खल में बिकवाली की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मसाले और ग्वार में खरीदारी में रहा जा सकता है, इनमें आगे तेजी जारी रह सकती है लंबी अवधि के दौरान भी। वहीं उनकी तरफ से आज इंट्राडे में बिनौला खल में बिकवाली करके चला जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।